अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लखनवी स्टाइल दही फुल्की की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक पेस्ट। एक कटोरी लूंगी, उसमें 2 चम्मच जीरा डालूंगी, 12 से 13 लहसुन की कलियाँ लेंगे, 4 से 5 सूखी खड़ी लाल मिर्च लेंगे, 3 हरी मिर्च लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने ले लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच पानी यूज़ करा है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालकर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी चटनी बनके हो गई रेडी। मैंने यहाँ पे पेस्ट ज़्यादा बनाया है, आप चाहो तो कम भी बना सकते हो। मुझे इसको स्टोर करके रखना था। इस चटनी को इफ्तारी के लिए मैं जो भी पकौड़ी बनाऊँगी उसके बैटर में 1/2 चम्मच डाल देती हूँ, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। इसका यूज़ कैसे करना है ये मैं आप लोगों को अभी जब फुल्कियों का बैटर बनाऊँगी ना उसमें बता दूँगी। अब मैं कर लूँगी फुल्की का बैटर बनाने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 200 ग्राम बेसन लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले, 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन और लाल मिर्च वाला पेस्ट, और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चुटकी सोडा। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ें डाल दी है, अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। बैटर बनाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि अगर एक साथ डाल देंगे ना तो इसमें लम्स रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है अच्छे से बन के हो गया रेडी, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो हम पानी में थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे, हमारा बैटर जो है फ्लोट करने लग गया, इट मीन्स कि हमारा बैटर अच्छे से बन के तैयार हो गया। तो अब हम कर लेते हैं अपनी फुल्कियों को फ्राई। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करके रखा था, इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर फुल्कियाँ बना लेंगे। आपको जैसा फुल्कियों का साइज़ ठीक लगे आप वैसे बना लेना, छोटा अच्छा लगे तो छोटा बना लो, बड़ा अच्छा लगे तो बड़ा बना लो। तो यहाँ पर हम फुल्कियों को 7 से 8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो आप लोग भी देख सकते हो हमारी फुल्कियों का कलर जो है चेंज होने लग गया। तो जब ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फुल्कियाँ बनके हो गई तैयार, कितनी यम्मी लग रही है ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो मैं इनको कर लेती हूँ अभी स्टोर। अगेन मैं यहाँ पे मफिन्स के डब्बे को ही रीयूज़ करते हुए अपनी सारी फुल्कियाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारी फुल्की जो है कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनके तैयार हुई है, आप लोग भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे हफ्ते भर के लिए फुल्कियाँ कर ली तैयार। अब इसको पैक करके हम रख देते हैं फ्रीज़र में। मैं आप लोगों को फ्रीज़ करी हुई फुल्कियों का यूज़ करने का भी तरीका बता देती हूँ। जब भी हमको खानी होगी फुल्कियाँ तो हम इसको फ्रीज में से निकालेंगे और पानी में डालकर डिप करेंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे बाद फुल्कियों को पानी में से स्क्वीज करके निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी फुल्कियों को स्क्वीज करके निकाल लिया है। तो इसके बाद मैं जो है दही लूँगी और उसको अच्छे से फेंटूँगी। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, 1/2 चम्मच पिंक सॉल्ट, 3/4 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें 1/2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, उसका भी बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। इसके बाद दही को फुल्कियों में ऐड कर देंगे। अब हम दही फुल्कियों पर ऐड करेंगे इमली की चटनी। वैसे कोई भी चाट बना लो इमली की चटनी के बिना अधूरा ही लगता है, तो यहाँ पे भी दही फुल्की भी इमली की चटनी के बिना अधूरी ही है। यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ भुना हुआ जीरा, इससे टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे। और लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी चटनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, नहीं पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी इजी से दही फुल्की बनकर हो गई रेडी। आप लोग भी इनको इसी तरह से 15 से 20 दिन के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह से इनको फ्रीज करके रखती हूँ और इफ्तार में हमेशा बनाती हूँ, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और जब ट्राई करोगे तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।